नमस्कार, मैं हूं नरेश कौशल और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। हमारे देश में, खास करके उत्तर भारत में, बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं जिनमें कहने को डाकू बने, लुटेरे बने, लेकिन वो लुटेरे और डाकू क्यों बने, उनके पीछे भी उनकी एक बड़ी दर्दनाक दास्तान रही होती है। हरियाणा में भी ऐसे ही एक बड़े ही शूरवीर योद्धा व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है हरफूल सिंह जुलानी। अगर उनको रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हरफूल सिंह को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि आज से लगभग 80 साल से अधिक पहले 1930 में आज के दिन उन्होंने तोहाना के जो बूचड़खाना था गायों का, उसको तहस नहस किया था और उसके अंदर रहने वाले जो कसाई लोग थे उनको जो है मौत के घाट उतारा था। उसी शूरवीरता के लिए आज के दिन उनको याद किया जाता है। राष्ट्रीय खबर की ओर से भी हम उनको नमन करते हैं। हरफूल सिंह को हरियाणा में गोश्त पुत्र के नाम से भी याद किया जाता है। उन्होंने ना केवल टोहाना बल्कि हिसार, नरवाना और गोहाना, रोहतक सहित बहुत से क्षेत्रों में जहाँ पे बूचड़ खाने थे गायों के, उनको तबाह किया था। इस तरह से वो एक गोरक्षक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और हरियाणा की जनता के दिलों में उन्होंने अपना जो है घर कर लिया। लेकिन वो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर व्यक्ति के लुटेरा या कथित रूप में डाकू बनने की जो बातें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होता है। यहाँ भी एक घटनाक्रम हुआ। दरअसल जो हरफूल सिंह थे, उनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया था और उनकी माता श्री ने अपने देवर के साथ दोबारा विवाह रचा लिया। वो अपने मामा के घर रहने लगे दूसरी जगह जाकर, और कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे, उन्होंने ज़मीन में अपना हिस्सा, चचेरे जो बेटे थे उनके, उनसे अपना हिस्सा मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उन चचेरे भाइयों का प्रभाव था टोहाना इलाके में और उन्होंने थानेदार से मिलकर एक झूठी शिकायत हरफूल सिंह की कर दी। तो हरफूल सिंह को पुलिस ने पकड़ा, मारा और उनके साथ बहुत ही अन्याय किया गया। यह अन्याय ही था उनके जीवन को परिवर्तित करने का और एक नई दिशा में जाने का, जिसको हम कह सकते हैं अपराध शाखा की दुनिया। लेकिन फिर भी उनके अपराध, और पंजाब में भी ऐसे लोगों के अपराध कई लोग हुए हैं, लेकिन जो सिर्फ बड़े लोगों के साथ, अमीरजादों के साथ, धन्ना सेठों के साथ उनका जो है हिसाब किताब करते थे और वहाँ से जो धन मिलता था वो गरीब लोगों के परिवारों की बेटियों की शादियों में लगा देते थे। यहाँ पे एक किस्सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा पंजाब का। जूना मौड़ हुए हैं एक बहुत ही शूरवीर योद्धा जिनको कथित रूप में डाकू के नाम से कहना जो है, मैं तो उनके साथ एक अन्याय ही मानूँगा। हर वर्ष दुर्गा के चरणों में जाते थे नैना देवी पर माथा टेकने, वहाँ पे छतर चढ़ाने के लिए। दुर्भाग्य से एक बार उनको पुलिस ने वहाँ घेर लिया और वो उन्होंने अपनी आन बान और शान को कायम रखते हुए उनके कब्जे में आने से बचने के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दी। वहाँ से कूद गए नीचे और बहुत ही नीचे जाकर उनका देहांत हो गया, जहाँ पे आज भी उनके नाम से एक समाधि बनी हुई है जूना मौड़ के नाम से। खैर, हम अपनी बात पे लौटते हैं। हरफूल सिंह जुलानी, हरफूल सिंह जुलानी का आगे का किस्सा बताने से पहले हम एक रोचक घटनाक्रम जरूर बताना चाहेंगे। एक बार एक महिला अपने पति के लिए खाना लेकर खेतों की ओर जा रही थी और रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला जो कहता कि मैं हरफूल सिंह जुलानी हूँ और जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। उस महिला ने वस्त्र, अच्छे वस्त्र डाले हुए थे, जेवरात थे, वो जेवरात उसने उतरवा लिए। इतना ही नहीं, उसने उसके साथ थोड़ी बुरी बात ये की कि उसके कपड़े तक, जो अच्छे कपड़े लगते थे, वो तक उतरवा लिए।
वो अभी निकला ही था, महिला रो रही थी। इतने में संयोग की बात है कि जो वास्तव में हरफूल सिंह जुलानी था वो वहाँ पे से गुजर रहा था, उसने महिला का रोना धोना सुना तो वहाँ पहुँचा कि बहन क्या हुआ तुम्हारे साथ। महिला ने बताया कि हरफूल सिंह नाम का जुलानी जो डाकू है वो मेरे को लूट ले गया है। उसने उसको दिशा पूछी, किस दिशा में गया है? जिस दिशा में महिला ने बताया वो उस दिशा में चला तो देखा एक पेड़ के नीचे वो व्यक्ति, वो लुटेरा बैठा हुआ। उन्होंने पूछा, भाई क्या नाम है तुम्हारा? लुटेरे ने बोला, हरफूल सिंह जुलानी। तो हरफूल सिंह समझ गए कि ये नकली डाकू बना हुआ है। उसने उनको पकड़ा और उसकी धुलाई की, पिटाई की और पकड़कर उसको महिला के पास ले आए, उसके चरणों में डाल दिया, उसके जेवरात वापस दिलवा दिए। तो ये कहानी होती है ऐसे लोगों की, पंजाब के, हरियाणा के, उन लोगों की जो ईमानदारी और जिनके अंदर दया जो है, चाहे वो कुछ भी उनके ऊपर लबाव ओढ़ा हो, कुछ भी लिबास ओढ़ा हो कि डाकू है, लेकिन इंसान उनके अंदर भी होता है। ऐसे ही थे हरफूल सिंह जुलाना। वीर हरफूल सिंह का जन्म 1892 ईस्वी में भिवानी जिले के लोहारू तहसील के गांव बारवास में एक जाट क्षत्रिय परिवार के यहाँ हुआ था। उनके किसान पिता इंद्रायण में रहते थे और बाद में उनकी जो है प्लेग से मौत हो गई थी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हरफूल सिंह अपने मामा के घर चले गए थे और बाद में लौटने पर जब उन्होंने ज़मीन में हिस्सा मांगा था तो उनके जो चाचा और उनके जो बच्चे थे उन्होंने हिस्सा नहीं दिया था, तो उनके साथ उनका काफ़ी तकरार हुआ था। इस घटना के बाद हरफूल सिंह सेना में भर्ती हो गए और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पूरे 10 साल वो सेना में रहे और इस विश्व युद्ध में लड़ाई के दौरान उनके जो कर्नल, जो उनके अधिकारी थे, वो अपने कैंप में बैठे थे। उनको पता चला कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को दुश्मन की सेना ने घेर लिया। हरफूल सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाई और पेशकश की कि वह उनको सुरक्षित वापस ला सकता है। खैर, ये किस्सा बहुत लंबा है। वो गए और बहादुरी से जो दूसरी सेना थी, जो दुश्मन थे, उनको बहादुरी से लड़ते हुए, उनको धराशायी करते हुए बच्चों को और कर्नल की धर्मपत्नी को सुरक्षित वापस ले आए। यहाँ एक और रोचक कहानी बनती है। जो अंग्रेज सेना के अधिकारी थे उसकी बहादुरी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बोला कि अब आप तुम सेना छोड़ के जा रहे हो, बोलो क्या इनाम मांगते हो? हरफूल के मन में पहले से ही कोई ना कोई कार्यक्रम उन्होंने बना रखा था, जो वो कोई पुराने बदले चुकाने चाहते थे रंजिश के। तो उन्होंने मांग की एक बंदूक की, ऐसी बंदूक जो फोल्ड हो जाती थी। वो बड़े हैरान हुए कि फोल्ड बंदूक क्यों लेना चाहते हो? तो कारण बताया कि ये कपड़ों के भीतर छुप सकती है। तो इस तरह से हरफूल उस फोल्डिंग बंदूक को लेकर वापस लौटे। वापस लौटते ही सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो कि उस टोहाना के थानेदार की ठुकाई, जिन्होंने गलत सूचना के आधार पर उसके चाचा के बच्चों के झूठी शिकायत पर गिरफ्तार किया था और हरफूल सिंह की पिटाई की थी। उन्होंने उस जो थानेदार था उसको उसी फोल्डिंग जो राइफल थी उससे उसको धराशायी कर दिया। इसके साथ ही कहने के लिए लोग कहते हैं कि वो अपराध जगत में चले गए, लेकिन वो बड़े बड़े धंधा सेठ जो लोगों का खून पसीने की कमाई को लूट कर पैसा जोड़ते थे, वो उनके पैसे को ऐंठते थे, भले ही कहें कि वो डाकू थे, लुटेरे थे,
लेकिन कभी भी उन्होंने किसी गरीब का और किसी आम आदमी का, किसी ईमानदारी का हक नहीं छीना, बल्कि उन्होंने अमीर जादों से, बड़े बड़े धन्ना सेठों से जो लूटा हुआ धन था वो उन गरीब बेटियों के पर अपनी शादियों में लगा दिया, जो पैसा खर्च जिनके पिता नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से एक अपराध जगत से चलते हुए एक नया मोड़ उनके जीवन में फिर आया। वो मोड़ था गऊओं की रक्षा का मोड़, वो मोड़ था बूचड़खानों को ख़त्म करने का मोड़, वो मोड़ था अंग्रेज जो गाय का मांस खाने के बहुत आदि थे, उस भक्षण को, उससे जो उनका खाने का जो खाजा था उसको ख़त्म करने का उन्होंने प्रण लिया, संकल्प लिया। और जो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि पहला बूचड़खाना तबाह किया उन्होंने टोहाना का, जिस टोहाना के बूचड़खाने के अंदर बहुत से कसाई रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे। ये किस्सा है 23 जुलाई 1930 का। लेकिन दिल से रहम रखने वाले, दिल से दयालु किस्म के हरफूल ने अंदर जाकर, रंगड़ बोलते हैं लोगों को जो 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 होते हैं ये गायों को काटने वाले जिनको कसाई बोलते हैं, उन्होंने उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अलग कर दिया। हालांकि पंचायत ने, जो नैन खाप पंचायत थी 52 गांवों की, उन्होंने पेशकश की कि हम अपने युवाओं को आपके साथ भेजते हैं, लेकिन हरफूल सिंह ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो शोर मचेगा, पता चलेगा, दोनों ओर से टकराव बढ़ेगा। उन्होंने बहादुरी भी दिखाई और एक नया नाटक रचा। उन्होंने महिलाओं के कपड़े डाले और महिलाओं के कपड़े डालकर घोड़े पर सवार होकर वही फोल्डिंग राइफल लेकर वो बूचड़खाने के भीतर घुस गए और उन्होंने अंदर जाकर वो जो है जितने भी जो कसाई लोग थे उनको मार काट की और बूचड़खाने को इस तरह से उन्होंने तबाह करके गायों की रक्षा का पहला कदम उठाया। इस तरह से टोहाना की जो बूचड़खाना था उसमें जो उन्होंने साहसिक कार्य किया, जो शौर्य दिखाया नैन खाप ने, उसके लिए उनको एक उपाधि थी जिसका नाम था सवा शेर की उपाधि। इससे उत्साहित होकर हरफूल सिंह ने ठान लिया, संकल्प ले लिया गौ माता की रक्षा का। और जैसा कि मैंने पहले बताया, नरवाना, जींद, गोहाना, रोहतक से लेकर आगे बहुत सी जगह पर उन्होंने जो है 17 जगह पर कम से कम जो गांव के बूचड़खाने थे गायों के, उनको उन्होंने आज़ाद करवाया गायों को और बूचड़खानों को तबाह किया। इस तरह से कसाईयों को ख़त्म करने का, गाय के बूचड़खानों को जो है तबाह ख़त्म करने का उनका जो कार्य था, उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में जो है उनका नाम जो है वो फैल गया और उनकी दहशत से कसाई लोग बूचड़खाने छोड़कर भागने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और वो गरीबों का मसीहा इस बात से बेखबर था। हरफूल सिंह को आजकल जैसे हम बोलते हैं मोबाइल कोर्ट, हरफूल सिंह अपने आप में एक चलती फिरती अदालत भी था। ये किस्से बड़े मशहूर रहे हैं कि जहाँ भी औरतों के साथ, दलितों के साथ, दबे कुचले समाज के साथ कहीं कोई ज्यादती हुई हो, वहाँ वो न्याय दिलाने पहुँच जाते थे और साम दाम, दंड भेद, हर तरह का जो हथियार इस्तेमाल करके वो जो गरीब लोग थे उनको न्याय दिलाते थे। आखिरकार अंग्रेज़ों ने उसके सिर पे इनाम रख दिया। दुर्भाग्य से एक बार हरफूल अपनी मुँह बोली, एक हिंदू युवती जो उसकी मुँह बोली बहन थी, उनके यहाँ राजस्थान में चले गए और वहाँ पे सोते हुए उनको पुलिस ने दर्द बोचा। 27 जुलाई 1936 को चुपके से पंजाब की फिरोजपुर जेल में अंग्रेज़ों ने रात को ही उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उनके पार्थिव शरीर को सतलुज के
दरिया में बहा दिया गया। इस तरह से देश के सबसे बड़े गौरक्षक गरीबों के मसीहा उत्तर भारत के रॉबिनहुड कहे जाने वाले वीर हरफूल सिंह ने अपना सर्वस्व गौ माता की सेवा पर कुर्बान कर दिया। मगर कितने शर्म की बात है कि बहुत कम लोग आज उनके बारे में जानते हैं। कई गौरक्षक संगठन भी उनको याद नहीं करते हैं। राष्ट्रीय खबर मीडिया ग्रुप ने इसी उद्देश्य को लेकर कि किस तरह से गौ माता की रक्षा हो, लोगों को कैसे प्रोत्साहन मिले, तो हरफूल सिंह की कथा इसीलिए आपके समक्ष पेश की है। इसी के साथ हम ये समापन करते हुए आपसे फिर वायदा करते हैं कि हम इसी तरह के रोचक किस्से, प्रोत्साहन देने के किस्से आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे, लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।